हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा खरे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स थर्ड। द फर्स्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए हम हमेशा जेड का यूज करते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्स आई वाई के फॉर्म में, जहाँ पे एक्स और वाई बोथ आर रियल नंबर्स। दैट मीन्स एक्स और वाई की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। और यहाँ पे आई का मतलब होता है आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिखा 2 + 3i। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है आपकी 2 और वाई की वैल्यू क्या दी गई है आपको 3। आप इसको ये भी लिख सकते हो -5 - 3i। हम इसको लिख सकते हैं -5 + 3i। तो अगर कोई भी नंबर हमें एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उनको डिनोट करने के लिए हम जेड अल्फाबेट का यूज करते हैं। जब भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरी तरीके से रियल बनाना है, मुझे दिया क्या गया था, मुझे दिया गया था एक्स प्लस आई वाई और मुझसे कहा गया है ये पूरी तरीके से प्योरली रियल कब होगा। इसको प्योरली रियल होने के लिए आई वाई की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0। इसका मतलब है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इमेजनरी पार्ट होता है, जो भी हमें आई वाई दिया है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी पार्ट। अगर इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली रियल, पूरी तरीके से रियल हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा मैं कहूँ, अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और वहाँ पे x की वैल्यू को हम 0 कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजनरी, क्योंकि आई वाई इमेजनरी पार्ट होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कुछ एलजेब्रा दिया गया है। एलजेब्रा का मतलब है हमें कुछ बेसिक से ऑपरेशन दिए गए हैं। सबसे पहला जो दिया गया है, आपसे कहा गया है कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो आप उसको इक्वल कब कहोगे। मैंने कहा मुझे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था z1, जिसकी वैल्यू मैंने लिया है x1 + iy1। आप इसको ये भी लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में x1, y1, जहाँ पे x1 रियल पार्ट है, y1 भी रियल पार्ट है, बट y1 को हमेशा हम i के साथ लिखते हैं। मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2, इसकी वैल्यू मैंने लिखा x2 + iy2। इसको हम ये भी लिख सकते थे x2, y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे इक्वल करना है तो इसका मतलब है इसकी रियल पार्ट, मतलब x1 = x2 होना चाहिए, इनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए और इनके इमेजनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स y1 की भी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, y2 के। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं z1 = z2। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया गया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था 2 + 3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था 2 + 3i। अगेन आप चेक कर सकते हो यहाँ x की वैल्यू है 2 और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या दी गई है 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पे भी y की वैल्यू 3। इसका मतलब है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल। मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया 2 + 3i। क्वेश्चन है क्या 2 - 3i और 2 + 3i आपस में इक्वल होंगे। अगर आप इनका पहला देखोगे पार्ट तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या डिफाइन की गई है 3। हम इसको x1 और y1 नाम दे देते हैं। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आऊं तो यहाँ पे x2 की वैल्यू तो दी गई है 2, बट जब आप y2 चेक करोगे तो y2 किसके साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। दैट मीन्स x1 तो x2 के बराबर था बट y1 की वैल्यू y2 के बराबर नहीं है, एक में प्लस साइन यूज हुआ है दूसरे में माइनस साइन, इसलिए 2 + 3i और 2 - 3i आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एलजेब्रा हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो हमें इन्हें ऐड करना है। मैंने फिर से मान लिया z1 की वैल्यू हमें दी गई थी x1 + iy1,
या फिर हम इसको x1 कॉमा वाई वन भी कह सकते हैं। z2 की वैल्यू डिफाइन की गई थी x2 प्लस आई वाई टू, इसको लिख सकते हैं x2 कॉमा वाई टू। इनके एडिशन को डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं z1 प्लस z2। पहले ब्रैकेट में मैंने z1 की वैल्यू लिखा x1 प्लस आई वाई वन, प्लस दूसरे ब्रैकेट में मैंने लिखा x2 प्लस आई वाई टू। जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो उनकी रियल पार्ट को आप एक साथ ऐड कीजिए। रियल पार्ट था x1 और दूसरे वाले का x2, तो मैंने दोनों को एक साथ ऐड किया। फिर i का यूज़ कीजिए और उनके इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कीजिए y1 प्लस y2। अगर मुझे इसी वैल्यू को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ, पहला आया है मेरा x1 प्लस x2, दैट मीन्स इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, x1 प्लस x2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या दिया गया है, y1 प्लस y2। ये हो गया इनका एडिशन। फॉर एग्जाम्पल हमें z1 की वैल्यू दी गई थी 2 प्लस 3i, और हमें z2 की वैल्यू दी गई थी 5 प्लस 4i। हमें इनको ऐड करना था z1 प्लस z2 को, हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इनका रियल पार्ट था 2 और दूसरे वाले का रियल पार्ट था 5। 2 और 5 को ऐड किया तो क्या आया, 7। प्लस मैंने i यूज़ किया, इमेजरी पार्ट को ऐड किया तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ 4, फिर से इनको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 7। दैट मीन्स 7 प्लस 7i। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमें दिया गया था z1 की वैल्यू -2 प्लस 4i, और हमें z2 की वैल्यू दी गई थी 3 -2i। इनको ऐड करना है तो आपको प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, आप उनको लिख के प्रॉपर करिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने कहा मुझे रियल पार्ट को एक साथ ऐड करना है, पहले वाले का रियल पार्ट था -2 और दूसरे वाले का क्या था, 3। मैंने इनको एक साथ लिख लिया, फिर मैंने प्लस साइन लगाया, हमेशा प्लस साइन ही यूज कीजिएगा, आई यूज करिए। यहाँ पे क्या है, 4 प्लस के साथ था, प्लस के साथ लिखिए, बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा आपको प्लस ही लगाना है। यहाँ पे वैल्यू क्या थी, -2। -2 प्लस 3 किया दैट मीन्स 3 में से 2 गया, या -2 प्लस 3 किया तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। प्लस 4 में से 2 गया तो क्या आया, 2i। दैट मीन्स उनका एडिशन हमें क्या मिल गया, 1 प्लस 2i। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना है तो आप उनके रियल पार्ट को एक बार में एक साथ ऐड करेंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट को आप अलग ऐड करेंगे। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। सबसे बेसिक और सबसे कॉमन प्रॉपर्टी दी गई है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं एक छोटा सा मैथ्स का एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 और 4 को ऐड कीजिए, आपने ऐड किया, आपने कहा ये वैल्यू आएगी 9। अब मैंने आपसे कहा कि इस वैल्यू को एक्सचेंज कर दीजिए, एक्सचेंज करने का मतलब है अब आप 4 प्लस 5 ऐड कीजिए, तो भी आप कहेंगे वैल्यू क्या आएगी, 9। ये छोटी सी चीज ही कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स अगर आप ए को बी में ऐड करेंगे या फिर आप बी को ए में ऐड करते हैं तो दोनों वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, इक्वल आती हैं। तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या बना, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रही हूँ z1 और z2, तो आपसे कहा गया है आप z1 प्लस z2 करिए या फिर आप z2 प्लस z1 करिए, दोनों वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने कहा अगर आप 2 प्लस 3i हमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, नेक्स्ट दिया गया है 1 प्लस i, अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो आएगा ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये दूसरा था, अगर आप इनको ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4i, और अगर मैं 1 प्लस i को पहले कर दूं और 2 प्लस 3i को बाद में लिखूं तो भी ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 प्लस 4i। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1। क्लियर। हमें जो सेकेंड प्रॉपर्टी दी गई है वो सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोशिएटिव। मैं फिर से इसको आपको नॉर्मल सी मैथ्स में समझाती हूँ। मैंने
मैंने कहा जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है तो आप तीन एलिमेंट पे अप्लाई कीजिए। मैंने तीन एलिमेंट लिया, 2 + 3 + 1। यहाँ पे भी मैंने लिया 2 + 3 + 1। आप देख सकते हो मैंने कुछ भी अंतर नहीं किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह सेम वैल्यू को लिखा है। बट यहाँ पे आप शुरू के 2 में ब्रैकेट लगाइए और यहाँ में आप लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाइए, तो दोनों की वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, बराबर। अब आपके मन में आएगा कि ब्रैकेट से क्या डिफरेंस हुआ। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप पहले 2 को किस में ऐड करेंगे, 3 में, क्योंकि वो एक ब्रैकेट में है। जब मैं 2 को 3 में ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 5, और तब मैं इसमें 1 ऐड करूंगी और ये वैल्यू क्या आई, 6। बट जब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है तो मैंने फिर से कहा जो ब्रैकेट में है आप उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो मैंने 2+ को एज इट इज लिख दिया। 3 में जब मैंने 1 को ऐड किया तो 3 में 1 को ऐड करने पे क्या आया, 4, और आप फिर से चेक करोगे तो वैल्यू क्या आई, 6। यहाँ 5+1 आया था, यहाँ +2+4 आया था, बट दोनों के आंसर एग्जैक्टली इक्वल आएंगे, 6 और 6। फिर से हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैंने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिया क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था आपको तीन वैल्यू लेके चलना है, और हम प्लस की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इनके बीच में क्या यूज किया हुआ है, प्लस यूज किया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने सेम लिखा, z1 + z2 + z3। यहाँ पे मैंने शुरू के 2 में ब्रैकेट अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने लास्ट के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे ब्रैकेट अप्लाई किया, तो दोनों की वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, इक्वल। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है देखते हैं, हम एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक नंबर दिया गया था 2, मुझसे कहा गया है इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 2 ही मिले, तो आप कहोगे इसमें आप 0 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2 में 0 ऐड करने पे क्या आया, 0। तो ये जो 0 आया दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। हम इसी वैल्यू को क्या कहते हैं, हम इसी वैल्यू को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मैंने फिर से यहाँ पे लिखा, मैंने कहा अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था तो हम जेड में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें वही जेड मिल जाए फिर से। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लिखी, मैंने कहा मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है तो 0 + i0 ऐड कर दीजिए। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 + i0 ऐड करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, जेड। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड 0 + 0i इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसका मतलब है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया गया था 2 + 3i, और आपसे कहा जाएगा इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप इसमें 0 + 0i को ऐड करेंगे, हमें वही वैल्यू मिल रही है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हम क्या लिख देंगे, 0 + 0i। बस यही इसकी हमेशा क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये वैल्यू फिक्स है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 + 0i ही होगी। नेक्स्ट दिया गया है आपको एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स थोड़ा बहुत एडिटिव आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। हमें कोई भी नंबर दिया गया था 2, और हमसे कहा गया कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आप कहेंगे 2 में -2 को ऐड कर दीजिए, जो दिया गया था उसी का माइनस ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यही सेम मैं यहाँ पे भी कह रही हूँ कि अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए x + iy, मुझसे कहा जाए कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसमें आप -x - iy को ऐड कर दीजिए तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 + 0i। कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है इसलिए हम इसको 0 + 0i बोल रहे हैं। तो जेड की एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है, माइनस है। जब भी हमें जेड का एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो हम जेड की जगह पे क्या कर देंगे, -z लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमें दी गई है कैंसलेशन लॉ। ये हमें पता रहता है बट इसको लॉ का नाम दिया जाता है, हम ये ध्यान नहीं देते। कैंसलेशन लॉ कहता है अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया था 2 + 3 = 2,
यहाँ पे भी लिखा है 2 + 3 फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहोगे ना कि हम 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ अगर मुझे दिया गया था x + y इज इक्वल्स टू x + z, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम x को x से कैंसिल कर देते हैं और लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू z। बट इसको कोई लॉ भी कहा जाता है हमें ये नहीं पता था, इसी को कहा जाता है कैंसिलेशन लॉ। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था z1, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरा z2, और मैंने इस साइड हमें कुछ दिया गया था वैल्यू, दिस इज z1 + z3। तो आप z1 को z1 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, आपको मिलेगा क्या, z2 इज इक्वल्स टू z3। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। तो ये थी पूरी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।